नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। थैंक यू फॉर कमिंग। फिल्म खत्म हुई तो लगा कि थैंक यू फॉर एंडिंग। एक मीम काफी मशहूर है, आप सबने सुना होगा, कहना क्या चाहते हो भाई। इस फिल्म को देखते हुए यही लगा। इस फिल्म की प्रोड्यूसर एकता कपूर को एक कमेटी बनानी चाहिए जो ये पता लगाए कि ये फिल्म क्यों बनाई गई है, किस लिए बनाई गई और क्या बनने के बाद किसी को ये फिल्म देखनी चाहिए थी या नहीं। इन दिनों वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन इंडिपेंडेंस के नाम पर काफी कुछ होता है, काफी कंटेंट बनता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बना दोगे। ये कहानी देखकर लगता है कि या तो हम बहुत पीछे रह गए या ये फिल्म ही बड़े आगे वाले जमाने की बनाई गई है। फिल्म शुरू से ही बस एक ही मुद्दे पर चलती है, वो है चरम सुख की तलाश, और आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या ऐसा भी होता है, क्या कोई लड़की ऐसा भी करती है। हमने तो नहीं देखा, आपको समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। इंटीमेट सीन भी इरिटेट करते हैं, कहानी कहीं से कहीं कनेक्ट हो जाती है लेकिन दर्शकों से कनेक्ट नहीं हो पाती। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की भीड़ जुटाकर फिल्म को पब्लिसिटी तो दिलाई गई, लेकिन अच्छी फिल्म के लिए अच्छी कहानी चाहिए, अच्छा ट्रीटमेंट चाहिए, जो इस फिल्म में मिसिंग रहा। और एंड में आप समझ ही नहीं पाते कि ये फिल्म क्या है, बात कर रही है, जो क्लाइमेक्स में की गई है। आपको लगता है कि आपके साथ धोखा हो गया। भूमि पेडनेकर लीड रोल में है, उनका काम ठीक है लेकिन फिल्म की कहानी और ट्रीटमेंट ही बकवास है, तो वो क्या करती। शहनाज गिल को फिल्म के प्रमोशन में काफी आगे रखा गया क्योंकि उनकी फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा है। इसे भुमराने की कोशिश की गई। शहनाज फिल्म में अच्छी भी लगी है लेकिन ये आपको वो मासूम वाली शहनाज नहीं दिखेगी, हॉट एंड सिजलिंग वाली शहनाज दिखेगी, लेकिन उन्हें भी काफी कम दिखाया गया है। वो अचानक से गायब भी हो जाती हैं। कुशा कपिला का काम ठीक है लेकिन उन्हें काफी कम स्पेस मिला है। शिवानी बेदी ने भी ठीक एक्टिंग की है। करण बुलानी ने फिल्म को डायरेक्ट किया है, वो कहानी को या तो ठीक से समझ नहीं पाए या समझा नहीं पाए। मॉडर्न होने का मतलब, आजादी का मतलब, अगर ये होता है तो हम पिछड़े ही सही। कोई लड़की किसी भी टाइम किसी के भी साथ सेक्स करने को ऐसे तैयार हो जाती है? नहीं, ऐसा नहीं होता। डायरेक्टर साहब को समझना पड़ेगा कि वो क्या कहना चाहते हैं, हम तो नहीं समझ पाए। कुल मिलाकर मुझे तो ये फिल्म लड़कियों के अपमान ज्यादा लगी। फिल्म में चमक धमक है, अच्छे चेहरे हैं, अच्छे कपड़े हैं, लेकिन इन सब से अच्छी फिल्म बन सकती थी, उसके लिए अच्छी कहानी और ट्रीटमेंट की जरूरत। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।